हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई 1 फरवरी 2019 को बजट पास हो गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पास कर दिया है। तो दोस्तों, बजट जो पास हुआ उसमें किसानों को देखो कर्ज माफी से भी जो बड़ी योजना है उसका लाभ इसमें मिला है, और जो किसान भाइयों को और भी क्या बेनिफिट मिला है, और मजदूर वर्ग को भी दोस्तों इसमें फायदा मिला है पेंशन वगैरह का। तो दोस्तों, हम आपको पूरा जो 5 घोषणाएं इन्होंने करी है हम आपको बता देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हम कोई भी सरकारी योजना संबंधित वीडियो डाले या फिर कोई भी सरकारी योजना संबंधित लेटेस्ट न्यूज डाले तो उसकी जानकारी अपने आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो भी बजट पास हुआ उसमें जो सबसे बड़ी खबर है हम आपको सबसे पहले वो बताएंगे, किसानों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जो भी हम किसानों के लेकर डेली हम खबर बताते रहते हैं, इसलिए हम आपको सबसे पहले किसानों की खबर ही बताएंगे। तो दोस्तों, किसानों को लेकर जो 1 फरवरी 2019 को जो बजट का ऐलान हुआ है, जो उसमें बजट पास हुआ है, तो 2 हेक्टर तक भाई जिस किसान के पास 2 हेक्टर जमीन है उसको 6,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाएगी, या फिर 6,000 सालाना उनके बैंक खाते में सीधे रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब दोस्तों, इसमें देखो कुछ शर्त बनाई गई है। 6,000 रुपये कैसे मिलेंगे, ये आपको देखो 3 किस्तों में दिए जाएंगे भाई। 4-4 महीने के 3 अंतराल बनाए जाएंगे, और हर 4 महीने में आपको 2,000 रुपये खाते में डाले जाएंगे, या फिर आप यूँ कह सकते हो कि भाई हर महीने 500 रुपये भी आपको मिल सकते हैं। तो ये 6,000 रुपये सालाना देंगे 3-3 किस्तों में। इससे दोस्तों जो भी फायदा मिलेगा 12 करोड़ किसानों को मिलेगा पूरे भारत के अंदर, और यह योजना देखो 1 दिसंबर 2018 से ही लागू हो गई है, यानी कि अब जो भी किसान भाई है सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है 2 हेक्टर तक की जमीन वालों का। तो दोस्तों, आप इसको यूं भी कह सकते हो कि भाई कर्ज माफी से भी ये बड़ी योजना बन सकती है आप किसान भाइयों के लिए। और दोस्तों, जो दूसरी बड़ी घोषणा हुई है वह मजदूरों को लेकर। भाई जो भी रिक्शा चालक वगैरह है, ऑटो रिक्शा चलाने वाला है, टेम्पो वगैरह चलाने वाला है, या फिर कोई भी छोटा मोटा जो भी मजदूर वर्ग का है, बेलदारी वगैरह करने वाला है, तो दोस्तों उसको 3,000 रुपये की पेंशन भी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो भी है, जो भी मजदूर वर्ग की कैटेगरी में आता है, जो भी उनको कुछ नियम शर्तें हैं जो हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में क्या क्या उनको नियम शर्तें फॉलो करनी होगी, लेकिन फिलहाल अभी बजट में यह बोला गया है कि भाई 3,000 रुपये इनको पेंशन दी जाएगी। और दोस्तों, जो तीसरी बड़ी घोषणा है वो है उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में देखो फ्री गैस कनेक्शन दिए जा रहे थे, फ्री सिलेंडर दिए जा रहे थे लोगों को, उसमें जो भी इन्होंने शर्त बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन दोस्तों वो 6 करोड़ सिलेंडर दे दिए गए थे। अब बाकी के 2 करोड़ जो गैस कनेक्शन है वो बच रहे हैं, तो दोस्तों ये भी फ्री में दिए जाएंगे बाकी सभी लोगों को जो भी बच रहे हैं, जो इनके नियम शर्तों को फॉलो करता है। 2 करोड़ गैस कनेक्शन यानी कि उज्ज्वला योजना के तहत इनको वितरित किए जाएंगे। और दोस्तों, जो चौथी बड़ी घोषणा हुई है बजट के अंदर वो है भाई सभी घर सस्ते होंगे। भाई जो भी आम आदमी अब घर खरीदेगा उसमें उनको अब सस्ते घर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उनको अब सस्ते घर मिलेंगे। और दोस्तों, जो पांचवी जो बजट में बड़ी घोषणा हुई है, ये किसानों के लिए तो नहीं है लेकिन ये पूरे देश के लिए दोस्तों सबसे बड़ी घोषणा है, किसानों से भी बड़ी घोषणा है दोस्तों ये पांचवी जो बड़ी घोषणा है बजट की। अब दोस्तों, आपको जो भी टैक्स फ्री आप करोगे भाई, आपको जो इनकम टैक्स नहीं लगेगा वो है 5 लाख रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको देखो 2,50,000 रुपए तक का टैक्स दे, भाई 2,50,000 से ऊपर जैसे ही आप कर लेते थे सालाना, तो आपको देखो इनकम टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब आपको देखो 5 लाख रुपए तक आपकी सालाना इनकम लगेगी, उसके ऊपर दोस्तों आपको देखो टैक्स बिल्कुल भी नहीं देना होगा। ये दोस्तों बहुत बड़ी घोषणा हुई है एक बजट के अंदर मेरे अकॉर्डिंग, और आप अपनी राय भी जरूर बताएं भाई क्या ये घोषणा सही हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों, आप अपनी देखो कमेंट में राय जरूर बताएं कि भाई ये 5 घोषणाओं में से सबसे बड़ी जो बजट पास हुआ है, जो सबसे बड़ी बजट की जो घोषणा है, आपको कौन सी घोषणा लगी इन 5 जो मैंने आपको बजट में जो घोषणा हुई है वो बताइए। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो के साथ बने रहे। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला ही होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, और अपने सभी संबंधित रिश्तेदारों फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कर दे, और मेरे नए मामले से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय भारत।